गीता के उपदेशों को जन जन तक पहुंचाने और उसके ज्ञान से लोगों को रूबरू करवाने के लिए कुरुक्षेत्र की धरती पर गीता के उपदेशों को डिजिटल तरीके से दिखाया जाता है, जो कि दर्शकों को भी खूब भा रहा है। गीता का उपदेश सिर्फ भारतवासियों के लिए ही नहीं, बल्कि इस धरती पर रहने वाले हर प्राणी के लिए है, क्योंकि गीता जीने की कला सिखाती है। गीता का उपदेश लोगों को अलौकिक ज्ञान देता है और इसी अलौकिक ज्ञान की अनुभूति कराने के लिए धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में गीता के उपदेशों को डिजिटल तरीके से दिखाया जाता है। शकुनी उन्हें और उत्साह देता। ऐसा कैसे हो सकता है कि पांडवों के बड़े राजकुमार के पास एक भी दाव लगाने के लिए कुछ भी न हो? और कुछ तो होगा। दरअसल कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड की ओर से एक अनोखा प्रयास किया गया। इसके तहत जहां भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, उसी जगह ज्योतिसर गीता उपदेश स्थल पर गीता के उपदेशों को डिजिटल तरीके से दिखाया जाता है। गीता ऑन सरोवर के तहत लाइट एंड साउंड के जरिए गीता उपदेशों का प्रचार किया गया, जिसकी दर्शकों ने भी खूब सराहना की। युधिष्ठिर का भी तो हिस्सा है, अभी इसका पांचवा भाग काट कर दाव पर तो नहीं लगा सकते ना? आप पास अफेक के युधिष्ठिर, इस बार जीत निश्चित आपकी ही होगी। ये आज के युग का बहुत बढ़िया डिजिटल जो गीता के ऊपर बनाया है, हमने आज देखने का मौका मिला। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुदृष्टि से बनाया गया, जिसमें भगवान के द्वारा जो गीता में श्लोक कहे गए हैं उनका काफ़ी विस्तार से इसमें वर्णन दिखाया गया है। पहले भी लाइट एंड साउंड जो 2003 में लगा था, लेकिन वो इतना विस्तार से नहीं, इसमें आकृतियाँ बनती हैं और पानी के माध्यम से जो आकृति बनती हैं डिजिटल, बहुत ही बेहतरीन है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण एक तरफ होते हैं, एक तरफ अर्जुन जी होते हैं जो गीता का उपदेश सुनाते हैं। सर, ये तो मैंने पहले किताबों में ही पढ़ा है, लेकिन ऐसा पहली बार देखा और बहुत ही अच्छा लगा, और देखने के बाद ऐसा लगा कि बार बार देखें, और एक अंदर बहुत ही आध्यात्मिक जागरूकता की भावना जैसे अंदर उत्पन्न हुई कि जो ये संदेश देना चाहते हैं कि हमें अपने जो हमारा जीवन है, हमारे बच्चे भी आगे ऐसे ही अच्छे विचार लेके आगे चले और हम भी इनको ऐसे ही बार बार दिखाते जाएं ऐसे प्रोग्राम, ताकि आध्यात्मिक। लाइट एंड साउंड शो के इस प्रोजेक्ट पर करीब 8 करोड़ रुपए का खर्च आया है। गीता उपदेश स्थली ज्योतिसर, जहां अक्षय वट वृक्ष जिसे गीता ज्ञान का साक्षी माना जाता है, उसी स्थल पर गीता सरोवर में डिजिटल गीता के दर्शन अब आए दिन देश विदेश से पर्यटक करते हैं। बता दें कि हरियाणा सरकार का मकसद है कि धर्मनगरी कुरुक्षेत्र का नाम विश्व के धार्मिक पर्यटन मानचित्र पर अंकित हो, उसी कोशिश के तहत इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई। इस जो कार्यक्रम में लोग अभिभूत हो जाते हैं, अलौकिक अनुभूति उनको होती है, खास तौर से क्योंकि ज्योतिसर में उसी स्थान पर ये जो शो दिखाया जाता है, लाइट एंड साउंड शो डिजिटल गीता, जहां पर भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था, वहीं अक्षय वट वृक्ष है जिसको साक्षी माना जाता है गीता ज्ञान का, और गीता सरोवर पर इस तरह की जो अनुभूति है यात्रियों को, जो पर्यटक हैं आने वाले, उनको अलौकिक अनुभूति होती है, साक्षात एक तरह से वो गीता के उपदेश ऐसा महसूस करते हैं उनको हो रहे हैं। रणदीप रोड, जनता टीवी, कुरुक्षेत्र। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए दबाना न भूलें बेल आइकन और सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल।